Hello, Vachapadi. This is your educator, Dr. Sakshi Panwal, and I am a BDS gold medalist from MS Swamiyan Dental College. So, apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, and so many more. चलिए, तो आज हम prokaryotic cell के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं. ये primitive cell है, जो कि सबसे पहले बना था जब Earth का formation हुआ था. तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी ये हमारे environment में present है. तो इसमें ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये अपने इवोल्यूशनरी चेंजेस के बाद भी अपने आप को इस एनवायरनमेंट में मेंटेन कर पाया है. तो बच्चों, इसके पहले मैं बता दूं, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए. ये रहा उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल डॉक्टर साक्षी बरनवाल के नाम से ही है. तो आप ज्वाइन कर लीजिए. सारे अपडेट एंड PDF एवरीथिंग यू विल गेट, ऑल स्टडी मटेरियल यू विल गेट ओवर देयर ओनली. ओके, चलिए तो हम सेल पे आते हैं, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये यूकैरियोटिक सेल से काफी अलग होता है. तो बच्चों, मैंने कल भी बताया था, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव. तो जो सबसे पहला सेल बना होगा, हम जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमंस, जो हायर ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स, ये सारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल से बने हैं. बट प्रोकैरियोट्स जो बहुत ही माइन्यूट ऑर्गन्स हैं, ये क्या होते हैं, ये मोस्टली क्या, ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, ये मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स. तो इनके लिए इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सिंगल सेल के थ्रू अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉपर प्रोकैरियोटिक सेल दिया हुआ है, बना हुआ है. ये किस में प्रेजेंट है, हमारे बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, जिसमें सबसे छोटा सेल पाया जाता है. यस, तो जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल के बारे में जरूर बात करते हैं. तो सबसे छोटा जो सेल देखा जाता है वो इसी PPLO माइकोप्लाज्मा के अंदर देखा जाता है. और सबसे बड़ा, तो कल हमने बात की थी, ऑस्ट्रिच एग होता है, राइट. तो ये होते हैं एक्चुअली सबसे छोटे सेल होते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स. इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इट्स नॉट यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, इसके अलावा इनकी डिवीजन की पावर काफी रैपिड होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल. उसके इसके दो तीन वजह है. क्या वजह है, एक तो इनका साइज बहुत छोटा है, ठीक है. जिस चीज का साइज जितना छोटा होता है, उसका रिप्रोडक्शन या उसकी डिवीजन की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन भी, ठीक है, इनके अंदर मशीनरी जो इनका मेटाबॉलिज्म है, ये बहुत क्या कहेंगे, प्रिमिटिव टाइप का होता है, बहुत एडवांस ही होता है. तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो काफी छोटा है, जिसकी वजह से इनको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना, ताकि अपनी कंटिन्यूटी को ये मेंटेन कर पाए, अपने पूरे स्पीशीज को ये मेंटेन कर पाए, राइट. इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं. ऊपर से इनकी जो मशीनरी है वो काफी प्रिमिटिव होने की वजह से कई बार क्या, मैक्सिमम चीजें इनकी नॉन मेम्ब्रेनस होती है, फ्रीली फ्लोटिंग होती है इनके साइटोप्लाज्म में. इवन इनका न्यूक्लियर मटीरियल भी फ्रीली फ्लोटिंग होता है बच्चों. ओके, सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड सेल वॉल इनकी प्रेजेंट होती है. बट इन माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, इट इज सीन दैट एवरी टाइम सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल. सो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बन रहा है, ये लिखना इसलिए जरूरी था कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन, कि माइकोप्लाज्मा इज द ओनली एक्सेप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जहां पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है. क्लियर है, जल्दी से बताइए यहाँ तक सबको. यस, चलिए तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर कवरिंग है, सेल वॉल दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है. इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो फ्रीली फ्लोटिंग होता है इनके साइटोप्लाज्म में. इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं रादर देन न्यूक्लियस के, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है. तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछेगा व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस ऑप्शन दिया रहेगा, न्यूक्लियोइड ऑप्शन दिया रहेगा, यू हैव टू टेक ऑन न्यूक्लियोइड, नॉट ऑन न्यूक्लियस. क्लियर है. चलिए, इसके अलावा इसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स, जो आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के. ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, और ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है. तो दिस इज द ओनली सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइट. इसके अलावा इसमें पिलाई होते हैं, या पाइलस कह सकते हैं,
फ्लैजिला होते हैं जो इनको मूवमेंट में मदद करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं कैप्सूल, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि ग्लाइकोकैलिक से बनी होती है। क्या फंक्शनिंग है, क्यों है ये सारी चीजें करेंगे बात। चल, जेनेटिक मटेरियल इनका नेकेड होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। डेफिनेटली इसके अंदर, ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के अंदर तो प्रेजेंट होता है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में एक और डीएनए प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मिड। ये भी प्रेजेंट होता है किसमें? आपके साइटोप्लाज्म में, फ्रीली फ्लोटिंग। ये बहुत तरीके से इस प्रोकैरियोटिक सेल को मदद करता है। बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो प्लाज्मिड परफॉर्म करता है रादर देन आपके सेलुलर न्यूक्लियस। कई बार रेप्लिकेशन के काम भी यही आता है प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे माइक्रो समझे पार्टिकल्स हैं जो कि इनके साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग प्रेजेंट होते हैं, जिसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीजोजोम क्या होता है? आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर एक इमेजिनेशन होती है अंदर की तरफ टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, और ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की तरह काम करता है। दैट इज वन ऑफ देयर फंक्शन। मीजोजोम के कई फंक्शन है जो हम अगेन आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हमने जानना है कि ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन का, राइट। तो मीजोजोम भी PYQs में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना जरूरी है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो तो इसमें कम से कम मीजोजोम दो से चार बार पूछा जा चुका है आपसे, ठीक। चल अभी सेल एनवलोप देखेंगे, किसके ऊपर कौन कौन सी कवरिंग होती है हमारे, किसके ऊपर? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। तो बेसिकली तीन कवरिंग होती है। पहली होती है ग्लाइकोकैलिक्स, जो सबसे बाहर होती है। ध्यान से सुनिएगा, पहले तीन चीजें होती हैं हमने पढ़ा है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। डेफिनेटली दो चीजें हमें याद रहती हैं, बट तीसरा चीज यहाँ पे आता है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही होता है आपका जो मीजोजोम में माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है, जबकि माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। तो तीन लेयर्स हैं, कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीन लेयर्स बनेंगी, राइट बच्चों। ये तीन लेयर्स में अब सबसे सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स होगी, फिर सेल वॉल, सबसे अंदर आएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले देखेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज से बना है। ये एक्चुअली बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके बना है, और ये कैसा है? स्टिकी इन नेचर है। स्टिकी इन नेचर के होने की वजह से इनका मेन काम क्या है? फैगोसाइटोसिस, जो भी इनका मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ फिजिकल डिफेंस है फॉर योर प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कोई फॉरेन बॉडी इंटरेक्शन में आता है, ये कोशिश करता है कि ग्लाइकोकैलिक्स को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दे, राइट बच्चों। ये डिफर करते हैं हर अलग अलग बैक्टीरिया में इनके थिकनेस और कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। किसी में कोई मैक्रोमोलिक्यूल ज्यादा है, किसी में कोई, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इन कॉम्पोजिशन होती है डिफरेंट बैक्टीरिया में, ठीक। लूज म्यूसिजिलेनस, तो आपका जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये दो तरीके का होता है, या तो ये बहुत ही हार्ड और स्टिफ होगा कवरिंग, या तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और लूज होता है, राइट। तो जब ये सॉफ्ट और लूज या म्यूसिजिलेनस होता है तो इसको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं, ओके। और जब ये थिक और टफ होता है तो इसको कैप्सूल कहते हैं, राइट। जब बहुत ही टफ होता है, इतना इजिली ब्रेक नहीं हो पाता, तो उसको कैप्सूल कहते हैं। जब बहुत ही स्लाइमी सा होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, लूजली कवर्ड होता है, तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, क्लियर है। और ये किस चीज में हेल्प करता है? फैगोसाइटोसिस में। तो समझ में आया ग्लाइकोकैलिक्स का क्या फंक्शन है हमारे बैक्टीरियल सेल में या हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेल वॉल की तरफ, जो कि हमारे किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारे ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर प्रेजेंट है। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन से बने हुए हैं। यहाँ पे ये वर्ड हाईलाइटेड है क्योंकि अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगेन PYQ में कई बार पूछा जा चुका है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन जो कि इस साल भी आ सकता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है आपके? पेप्टाइडोग्लाइकन एक ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो लेयर है सेल वॉल, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, ठीक है। रिजिड है, सॉलिड कवरिंग दैट गिव्स शेप एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। तो
तो आप जैसा कि जानते हो सेल वॉल क्या होता है, एक तो डेड होती है, सेल वॉल इज बेसिकली डेड, तो ये बहुत रिजिड होगी, ये बहुत रिजिड होगी, और जब कोई चीज रिजिड होती है, सख्त होती है, टफ होती है, तो वो किसी चीज को शेप देने का काम करती है, शेप देने का काम। जब कोई सख्त होगी कोई चीज, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में क्या, ये हार्ड है, अगर ये सॉफ्ट होता तो मैं इसको दबाती तो ये दब जाता, लेकिन ये हार्ड है ना, जिसकी वजह से ये ग्लास का शेप दे पा रही है। अगर ये सॉफ्ट होती तो ग्लास का शेप तो चेंज होता रहता, तो ये ग्लास थोड़ी ना कहलाता, ये तो कुछ भी कहलाता। तो वही बात है। अब ये वायर, वायर का जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट ये अपना शेप मेंटेन की हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर आप इसको कह रहे हो कि दिस इज नॉट रिजिड, बट इसकी जो लेयरिंग है वो तो रिजिड है, भले ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। हम बात कर रहे हैं रिजिडनेस की। नॉन रिजिड वो होते हैं जो कि इजिली मोल्ड हो जाए, मतलब कुछ भी दबाओगे उनका एकदम, जैसे क्ले हुआ, गीली मिट्टी लेते हो ना, उसको कुछ भी आप बना सकते हो, राइट? तो बस वही वाली बात है। तो ये सेल वॉल जो होता है बेसिकली एक शेप देने का काम करता है, सपोर्ट देने का काम करता है, क्योंकि ये रिजिड होते हैं और डेड भी होते हैं। सेल वॉल परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। क्या फॉलोइंग फंक्शन? हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो सेल वॉल सेल को बर्स्ट करने या कोलैप्स करने से बचाते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये अलाउज द मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, अलाउज द मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो शेप देने की वजह से वो कोलैप्स नहीं कर पाते हैं, अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज भी हो रहा है या बाहर से प्रेशर लग भी रहा है, तो वो एक प्रॉपर आपका जो शेप बनाया हुआ है उसके बाहर उसको जाने नहीं देंगे, उतना ही प्रेशर लेंगे जितना वो ले सकते हैं, क्योंकि वो रिजिडिटी उनमें रहती है कि इसके आगे भैया मुझसे पॉसिबल नहीं है आप लेना, ठीक। उसके बाद इनमें क्या, ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी है कि कुछ चीज़ों को ये अंदर आने देते हैं और कुछ चीज़ों को ये बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। तो कंपैरेटिवली सेल वॉल आपके परमिएबल होते हैं, काफ़ी परमिएबिलिटी इनकी हाई होती है। वार्ड्स ऑफ अटैक ऑफ पैथोजन लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोअन्स। तो ये भी आपके डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करते हैं कि अनवांटेड, कई बार क्या होता है, जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में तो आपकी कैप्सूल है नहीं, आपकी बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है नहीं, तो क्या करेंगे, ये सेल वॉल वो काम करता है। बाकी जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल भी होते हैं जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, अगर कोई चीज़ ग्लाइकोकैलिक्स से रह जाए, ठीक है, बड़ी चीज है, तो ये इतने सख्त हैं सेल वॉल कि उनको अंदर आने से मना कर देते हैं, कई बार ये भी प्रिवेंट कर लेते हैं कोई भी अटैक ऑफ पैथोजन से, राइट। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को ग्रेविटी के अगेंस्ट, किसी भी तरह का प्रेशर, किसी भी तरह का अट्रैक्शन, हर चीज से आपके मैकेनिकली प्रोटेक्ट करता है आपका सेल वॉल, बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड नेचर एंड इट्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सॉलिड कवरिंग। ओके, चल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की, तो इस समय हमें याद करना होगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये क्या होता है मैम, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये क्या चीज है? तो बच्चों, ये एक तरह का स्टेन है। क्या है बच्चों? एक तरह का स्टेन है जो कि डिफरेंशिएट करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसा स्टेन है अभी, चलिए बात करते हैं। तो दो तरह के स्टेन, दो तरह के बैक्टीरिया डिवाइडेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को के लिए पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, मतलब वो स्टेन ले लेते हैं, वो हो जाते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया इस स्टेन को नहीं ले पाते हैं वो बन जाते हैं ग्राम नेगेटिव। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और इस स्टेन को डिस्कवर किसने किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने। तो इन्होंने क्या किया था, अपने ही नाम पे स्टेन का नाम ही रख दिया कि भैया मैंने डिस्कवर किया, मेरे नाम से लोग जानेंगे इसको। तो इन्होंने कब डिस्कवर किया? 1884 में, ठीक है। बहुत सारे सेल रिएक्शंस होते हैं क्योंकि सेल वॉल शो करता है डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में। तो दो तरह के बैक्टीरिया मैंने आपको पहले ही बताया स्टेनिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली। तो स्टेनिंग का भी इसका प्रोसीजर होता है बच्चों, इतनी इजी नहीं होती ग्राम स्टेनिंग, कई स्टेप्स में होता है ये। आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आप जब माइक्रोबायोलॉजी सब सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, ठीक है, अपने सेकेंड ईयर में, तो ये सारी स्टेनिंग आपको करने को मिलेगी। आप हर तरह के बैक्टीरियाज को माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टेन करके खुद देखोगे, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग दैट टाइम। तो अभी आप जान लीजिए कि ये ग्राम स्टेन होता है, इसमें एल्कोहल का,
ठीक है, इन सब का यूज़ होता है। बाकी बहुत से चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं ग्राम स्टेनिंग में जो कि इसको प्रिवेंट करने में, मतलब स्टेनिंग करने में मदद करते हैं। पहला आएगा हमारा ग्राम पॉजिटिव, ये क्या है, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं और उसका ब्लू और पर्पल कलर रिटेन कर लेते हैं। तो ग्राम स्टेन बेसिकली आपका ब्लू कलर का, जब आप ड्रॉप डालोगे ना तो वो ब्लू कलर का होगा, तो उसका जो ब्लू और पर्पल कलर है वो अगर रिटेन कर गया बैक्टीरिया तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा। और ये कौन है इसमें ग्राम पॉजिटिव, जैसे कि आपका क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट बच्चों। इसके अलावा बैसिलस सबचिलिस, ये भी आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है बच्चों, जो कि स्टेन को नहीं लेता, बोलता भाई मेरे से नहीं लिया जाएगा, और ये लूज आउट कर देता है जब इसको वॉश किया जाता है। तो ये इकोलाइन है जो कि ग्राम नेगेटिव में आते हैं। एसिटोबैक्टर, एसिटाई, ये भी आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो अभी मुझे जल्दी से सब लोग चैट कमेंट सेक्शन में बताएंगे एसिटोबैक्टर, एसिटाई कौन से टाइप का केमिकल रिलीज करता है। मुझे पता है बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चल तो ये दोनों आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देख सकते हैं। पहले वाले बैक्टीरिया ने देखो ग्राम स्टेन ले लिया, इसलिए इसने ये कलर रिटेन कर लिया अपने ऊपर, अपने सेल वॉल के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो ग्राम नेगेटिव ने कोई रिटेंशन नहीं किया है, तो ये एज इट इज बना हुआ है, जिस कलर का था पहले से उसी कलर में ये बना हुआ है, राइट। तो जब ग्राम पॉजिटिव स्टेन ले रहा है तो उसमें देखते हैं बहुत मोटी सी वो पर्पलिश लेयर, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा अलग दिखाया गया, बट ये जब आप देखोगे एज सच इन माइक्रोस्कोप तो ये वो पर्पलिश कलर रिटेन कर चुका रहता है, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल व्हेन यू सी इन दी माइक्रोस्कोप। तो बेटा जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो विच यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग राइट नाउ, बट वो आपको करने को मिलेंगी ना। जैसे अब आप सर्कुलेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो कोई भी प्लांट तो नहीं पढ़ोगे वहाँ पे, एनिमल्स ही पढ़ोगे मोस्टली। तो बहुत सी चीज़ें आप देखोगे, जैसे किडनी पढ़ रहे हो आप, ये सारी चीज़ें जब पढ़ रहे हो वहाँ जाके आप असलियत में जब देखते हो ना, यू मतलब क्या कहते हैं, एक फीलिंग आती है इतनी अच्छी कि मतलब जो मैंने एक्चुअली पढ़ा है वो मैं देख पा रहा हूँ, एंड यू आर एबल टू कोरिलेट। फिर आपको उस चीज़ पे यकीन होने लगता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा है ना उस पे यकीन होने लगता है कि यार ऐसा होता है, मतलब समझ रहे हो, दिस इज एक्चुअली ट्रू, इट हैपेंस। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी फील होती हैं आपको मेडिकल कॉलेज में, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है कि भैया नहीं, जो हमने पढ़ा है सही है। कई बार यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, कई चीज़ें देखते हैं ना तो चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैम ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन जब आप अपनी खुली आंखों से चीज़ें देखते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है, फिर आपको लगता है यार ये तो एक्चुअली ऐसे होता है, मुझे ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, तो एक्चुअली होता ही ऐसे। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बींग इन लाइक स्टडिंग राइट एंड राइट नाउ, और बाद में उसका एप्लीकेशन देखने में, उसकी रियालिटी देखने में। तो दिस इज द टाइम बच्चों जिस इन विच यू आर रीडिंग द थ्योरी, और नेक्स्ट फेज आपका आने वाला है जिसमें आप प्रैक्टिकल इसका बहुत अच्छे से अनुभव करने वाले। कहते हैं ना डॉक्टर बिना प्रैक्टिकल चीज़ों के नहीं बन सकता, जब तक तो वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा, लोगों को देखेगा नहीं, पेशेंट को ट्रीट नहीं करेगा, जो हमारी बॉडी में वो सब चीज़ें ध्यान नहीं देगा, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो बेसिकली अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो अपने डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू कर चुके हैं बच्चों, आप अपने डॉक्टर बनने की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर चुके हैं, बस आपको ये ढंग से पढ़ना है ताकि इसका एप्लीकेशन जब आपको आगे जाके दिखाया जाए, ठीक है, आप जब देखो अपनी खुली आंखों से, यू विल बी वेरी कहेंगे फास्ट इन पिकिंग अप थिंग्स, अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैं देख रहा हूँ, मतलब इट्स सो क्लियर फॉर मी। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो ये फीलिंग रख के चलो कि आप डॉक्टर बनने के प्रोसीजर में बढ़ चुके हो, यू आर गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर। उस पॉजिटिविटी, उस क्या कहेंगे एंथू से आगे बढ़ोगे तो यू विल बी फीलिंग राइट कि नहीं यार मैं भी फोड़ लूंगा, मैं तो अपनी जर्नी पे अब निकल चुका हूँ, मुझे सिर्फ अब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, बाकी मेरी जर्नी तो शुरू हो चुकी है भाई, ठीक है। तो यही आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, यही डेडिकेशन होना चाहिए, और देखो कौन आपको रोकता है डॉक्टर बनने से, कोई भी नहीं रोक सकता बेटा, कोई भी नहीं, आपको रोकने वाले आप खुद होगे और कोई नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा ऑफ टॉपिक बातें हो गई, कोई बात नहीं। चल नेक्स्ट आएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया क्या होते हैं, सबसे अंदर होती है, सबसे ऊपर ग्लाइकोकैरियोट्स, फिर सेल वॉल, और फिर आगे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जो भी आप कहते हो, ठीक है। ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है सेल एनवेलप की,
सबसे बड़ी बात है ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल से अच्छा आप लिख दीजिए सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर ही है। सेमी परमिएबल से बेटर वर्ड है सेलेक्टिव परमिएबल। जब आपके बीच में इन दोनों वर्ड में सिलेक्शन आएगा तो आप सेलेक्टिवली परमिएबल पे ही जाएंगे, क्योंकि सेलेक्टिव परमिएबल सेमी परमिएबल से बहुत अलग होता है। सेमी परमिएबल जो होता है वो हमारे घर में जो छन्नी होती है ना, जो फिल्टर जिससे आप चाय कॉफी छानते रहते हो, वो होती है एक्चुअली सेमी परमिएबल। उसमें क्या पार्टिकल का अंतर होता है, छोटा पार्टिकल जा सकता है, बड़ा पार्टिकल नहीं जा सकता, दैट इज सेमी परमिएबल। लेकिन जब हम सेलेक्टिव परमिएबल की बात करते हैं, यहाँ पे छोटे बड़े का मतलब नहीं होता, यहाँ पे मतलब क्या होता है कि नेचर सूट कर रहा है कि नहीं उस मेम्ब्रेन के थ्रू जाने के लिए। अगर उस मेम्ब्रेन को उस पार्टिकल का नेचर सूट करता है तो वो उसको जाने देता है, भले ही उसका साइज बड़ा हो या छोटा हो, डजंट मैटर, बट उसके लिए उसका नेचर सूटेबल होना चाहिए। जो सूटेबल नहीं हो, वो जितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वो उसको नहीं जान देगा, क्योंकि उसका मेम्ब्रेन कहता है भाई तुम मेरे लिए होस्ट हो, अरे तुम मेरे लिए होस्ट हो, एक्चुअली यू आर स्ट्रेंजर टू मी, तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। तो ये काम करता है आपका सेलेक्टिव परमिएबल। ये क्या करता है? इंटरैक्शन बिटवीन सेल एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। डेफिनेटली ये एक्चुअली एक मेम्ब्रेन है जो कि बाहर की चीज़ों को इंटरैक्ट करने में मदद करती है। अंदर की चीज़ सारी लेयर तो क्रॉस कर सकती है हर चीज़, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एक पर्टिकुलर फीचर होना चाहिए, पर्टिकुलर आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो सेल मेम्ब्रेन आपको चीज़ों को अंदर जाने दे। तो दिस इज द मेन थिंग विच इज हेल्पिंग आउट इन द इंटरैक्शन ऑफ सेल विद द आउटर एनवायरनमेंट, and it is very true over here, okay? It performs number of functions. पहला क्या कहता है? चीजों को regulate करता है, किन चीजों को अंदर आना है, किन चीजों को बाहर जाना है, ये सारी regulation कौन कर रहा है? आपका cell membrane. बाकी चीजें भी कर रही हैं, I totally agree, मैंने पहले भी बोला, लेकिन ये decide करेगा factor. सबसे बाहर glycocalyx है, वो तो अंदर भेज दिया, फिर आएगा cell membrane कि भैया मुझे glycocalyx ने भेज दिया है, अब आप अंदर जान दो। सेल वॉल कहेगा अच्छा ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स ने दिया है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर उसको कुछ गड़बड़ लगती है ना तो वो भी अंदर जान देता है। फिर उसके बाद आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि अब अगर अंदर घुसा तो ये सीधा साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा सतर्क वाली लेयर है जिसको चूज करना है कि भाई किसको जाने दे और किसको नहीं जाने दे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाली जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों में थोड़ी कम कैपेसिटी होती है पहचानने की। उनके अंदर क्या है, मेन फैगोसाइटोसिस ही कर देते हैं सीधे, ठीक है, वो इसलिए फॉरेन एजेंट को पहचान पाते हैं। लेकिन जो अंदर वाली चीज़ है, अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो एजेंट, फॉरेन एजेंट के अलावा कोई अनवांटेड मटेरियल है जो कि अंदर जाने के कोई काम नहीं है, उन सबको भी हटाने का काम कर रहा है। सेलेक्टिवली परमिट्स पर्टिकुलर मॉलिक्यूल टू पास। तो पहला तो एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा आपकी परमिएबिलिटी दे रहा है, तीसरा प्रिवेंट्स लॉस ऑफ कॉम्पोनेंट फ्रॉम सेल्स थ्रू लीकेज। अच्छा, जो चीज़ें अंदर हैं वो भी बाहर ना निकल जाएं, इसका भी ध्यान आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखता है कि जो वांटेड चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनके उस सेल के लिए, वो चीज़ें कहीं बाहर ना निकल जाए गलती से, तो इसका चेक भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रखता है, राइट? चल अब आएंगे मीजोजोम्स में। मीजोजोम्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने शुरू में पढ़ा है मीजोजोम्स के बारे में, और मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था आपसे, और आप मार्क कर भी लीजिए कि व्हाट इज मीजोजोम्स बच्चों। तो मीजोजोम्स बेसिकली क्या, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसी में इन्वेजिनेशन होता है टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म, एक गांठ जैसा अंदर की तरफ बनता है जो कि बहुत हद तक माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की तरह एक हद तक काम करता है। यहाँ पे दिस इज द साइट ऑफ एयरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एयरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एक काम तो ये इसका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। तो ये क्या है, फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेली। इन तीनों के फॉर्म में इन्वेजिनेट कर सकती है, या तो वेसिकल के फॉर्म में, या ट्यूब्यूल, या तो लैमेली के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीनों शेप आपका ले सकती है। तो वेसिकल गोलू मटोलू सा हुआ, ट्यूब्यूल आपका ऐसे होगा कुछ, और लैमेली जो होगा वो इस तरह का शेप होगा, ठीक है, लैमली, ठीक, अरे सॉरी, लैमली ये है, ये रहा ट्यूब्यूल और ये रहा वेसिकल, कोई भी शेप में इमेजिनेट कर सकती है अंदर की तरफ।
इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकैरियोट्स। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर मानी जाती है क्योंकि यहाँ एयरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन कराती है प्रोकैरियोट्स में, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगेन मार्क डाउन कर लो कि क्यों मीजोसोम्स इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है इनका, पहले तो रेस्पिरेशन करा रहा है, डेफिनेटली एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। दूसरा क्या है, एंजाइम कंटेंट को बढ़ाने में मदद करता है, साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को भी ये बढ़ा रहा है, क्योंकि ये इन्वेजिनेशन है। एक आपको जब हम आगे पढ़ेंगे क्या माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्रिस्टी के फॉर्म में आपके फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली आपका क्या कहते हैं सरफेस एरिया भी बढ़ा रहे होते हैं और साथ साथ बहुत सारे और फंक्शन भी है। तो जितने भी फोल्डिंग्स होती हैं वो मैक्सिमम काम क्या करती हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाने का भी काम करती हैं। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। मीजोजोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में बात हो रही है, यूकैरियोट में नहीं होते हैं, यहाँ पे सेल वॉल बनाने में भी मदद करते हैं। हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक टू डॉटर सेल ड्यूरिंग फिजन। तो जब बाइनरी फिजन हो रहा है या कोई भी तरह का फिजन हो रहा है उनके अंदर, ठीक है, तो डॉटर सेल तक जो डीएनए रेप्लिकेट करके पहुंचाना है उसमें भी आपका मीजोसोम्स मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इज इट क्लियर गाइस? ओके ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगी कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप मी, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। ओके, नेक्स्ट आएंगे फ्लैजिला। ये क्या है, ऑर्गन ऑफ या मूवमेंट के लिए मदद करता है आपका ये पार्ट, ठीक है। दिस इज द पार्ट विच हेल्प्स इन मूवमेंट इन अ बैक्टीरिया और एनी प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि फ्लैजिला प्रेजेंट हो ही, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं होता है। जिसमें होता है वो मोटाइल होते हैं, जिसमें नहीं होता वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। मोटाइल बैक्टीरिया पॉजेस वन और मोर थ्रेड लाइक अपेंडेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम देयर सेल वॉल। कहां से निकल रही है, सेल वॉल से, और जिनको फ्लैजिला कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, फ्लैजिला जो है ये मोटाइल बैक्टीरिया में होते हैं, किसी में एक होते हैं, किसी में एक से ज्यादा होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और कहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं, सेल वॉल से। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, सेल वॉल से ओरिजिनेट कर रहे हैं। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। तीनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल बॉडी जो है आपका सेल वॉल पे अटैच्ड होता है, ठीक है, जो कि अंदर साइटोप्लाज्म के थ्रू इंटरैक्ट कराने में मदद करता है। हुक जो है आपका ये जो फिलामेंट है, ये लंबा सा पतला सा जो आप देख रहे हो हंटर टाइप, ठीक है, ये और बेसल बॉडी को अटैच करने में कौन मदद करता है, आपका हुक। यहाँ पे हुक होता है जो कि इन दोनों को अटैच करने में मदद करता है, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ कैसा दिखता है, ये बेसल बॉडी है, ये हुक है बीच में, और ये आपका होगा फिलामेंट, ये होगा आपका फिलामेंट, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट है जो कि एक्चुअली अपने व्हिप्लैश मूवमेंट या वीवी मूवमेंट से आपके मोटिलिटी में मदद करता है। फिलामेंट किस चीज से बना है, फ्लैजिला बात कर रहे हैं, तो फ्लैजिला में प्रेजेंट होगा फ्लैजिलिन प्रोटीन। बहुत इजी है याद रखना, फ्लैजिला से ही फ्लैजिलिन बन रहा है। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम फ्लैजिलिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलाएंगे पिलाई और फिम्ब्री में। ये भी छोटे छोटे आपके एक्सटेंशन होते हैं सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर। अगेन ये भी आपको लगेगा छोटे छोटे तो है मैम, हो सकता है ये भी मदद करते हो मूवमेंट में जिनमें बड़े बड़े फ्लैजिला ना हो पाए। तो बच्चों ये कोई मूवमेंट में मदद नहीं करते हैं, बट ये और चीज़ों में मदद करते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं चलिए बताएं। तो ये देखो पिलाई जो होते हैं, सेक्स पिलाई जो होते हैं, वो आपका अटैचमेंट में भी मदद करते हैं। जब आपका बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक एफ प्लाज्मिड वगैरह जो होते हैं आपके, वो इसी पिलाई के थ्रू जेनेटिक ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बहुत से तरीके से आपका पिलाई मदद करता है। फिम्ब्रे भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन फिम्ब्रे भी प्रेजेंट होते हैं आपके बैक्टीरिया के ऊपर। पिलाई भी इलोंगेटेड ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है, बट फ्लैजिला से छोटे होते हैं थोड़े, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सेक्स पिलस है।
और फिम्ब्रे और बहुत छोटे फाइबर लाइक स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउटिंग आउट कहेंगे आप फाइबर्स हैं फ्रॉम दी सेल। जैसे आप कोई मूंग रखते हो ना घर में अंकुरित करने के लिए, उसमें छोटे छोटे निकलते हैं ढेर सारे, हाँ व्हाइट कलर के, बस उस तरह छोटे 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 फिम्ब्रे पूरे बैक्टीरिया में निकल जाते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया का अटैचमेंट करवाते हैं रॉक से एंड ऑल्सो टू दी होस्ट टिश्यू। अब ध्यान से सुनना, ये फिम्ब्री और पिलाई मेनली क्या काम करते हैं, ये आपका अटैचमेंट में मदद करते हैं। बैक्टीरिया जो है कई बार आपके मतलब क्या कहें किसी नीशे में रहते हैं या एज अ पैरासाइट रहते हैं, राइट। हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं तो हमारे अंदर उनको रिटेंशन चाहिए, क्योंकि वो कई बार ये बैक्टीरियाज मोटाइल नहीं होते हैं, तो इन्हें रिटेंशन चाहिए कि भैया कहीं जम के हम बैठ जाए। तो यही पकड़ बेसिकली जो होल्डिंग होती है वो कैपेसिटी होती है इसी पिलाई और फिम्ब्री में। जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, हम कुछ करना होता है तो हम हाथ से पकड़ते हैं कि हम ग्रिप लें, बस वही काम आपका यहाँ पिलाई और फिम्ब्री कह रहे हैं, ग्रिप बना के कोई चीज पे अटैच होने का काम पिलाई और फिम्ब्री करते हैं। वेदर इट इज होस्ट टिश्यू, वेदर इट्स एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक कि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, ठीक है, पानी के अंदर कहीं भी टिकना हो, ये सारी चीजें मदद करते हैं। ना लास्ट आएंगे हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होते हैं वो बोथ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है टाइप ऑफ राइबोसोम्स का। यहाँ पे जो राइबोसोम्स हम पढ़ने वाले हैं वो 70S टाइप के, कौन से टाइप के, 70S टाइप के। बच्चों क्या है इसमें, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपके एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम्स, और ये किस टाइप के, 70S होते हैं। इसमें दो सब यूनिट होती है, 50S+30S। ये कैसे बन रहा है, 50S+30S से। और जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में हम प्लाज्मा राइबोसोम देखते हैं वो 80S टाइप होता है, वो 60S और 40S से मिलके बनता है। लेकिन आपको यहाँ पे अभी प्रोकैरियोटिक का याद रखना है, जो 70S टाइप का होता है जो दो सब यूनिट से बनता है 50S और 30S। तो जब आप देखोगे दो चेन रहेगी ऐसे, तो ऊपर की तरफ बड़ा सा 50S जुड़ा होता है और छोटे छोटू सा नीचे 30S जुड़ा होता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं 70S टाइप का राइबोसोम। जब आप ट्रांसक्रिप्शन ये सब पढ़ोगे, जब आप बायोटेक्नोलॉजी और बहुत जगह, तो आपको समझ में आएगा इसका क्या यूसेज है, ठीक। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम विद mRNA फॉर्म्स अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, जो कि mRNA को ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में। बहुत सारे राइबोसोम जुट जाते हैं और बनाते हैं पॉलीराइबोसोम, और ये mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने में मदद करता है। क्लियर है, राइबोसोम की फंक्शनैलिटी बेसिकली ये कहीं ना प्रोटीन सिंथेसिस में ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। लास्ट इंक्लूजन बॉडी, जैसे कि आप यूकैरियोट्स में कभी पढ़ोगे कि कोई स्टोरेज मटेरियल होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है, तो जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर भी खाना फैट के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, वैसे ये जो छोटे छोटे आपकी प्रोकैरियोट, इनके अंदर भी एक बार में खाना हमेशा तो जरूरी नहीं ना खाना मिले। हम भी तो टाइम से टाइम ही खाना खाते हैं कि भैया आप दोपहर हुई खाना खा लिए, थोड़ी ना कि 24 घंटे खाते ही रहते हैं कि एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो स्टोर कर लेते हैं फिर एनर्जी। वैसे ही ये प्रोकैरियोट्स भी जब खाना खाते हैं तो कुछ छोटे छोटे बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ फूड रिजर्व कर लेते हैं, या बहुत तरह के रिजर्व मटेरियल इनको जो कलेक्ट करने होते हैं, उसी रिजर्व मटेरियल को इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, ठीक है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स विच आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, इसलिए इनको इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है। ये भी किसी मेम्ब्रेन से नहीं बाउंडेड होती है, बहुत फ्रीली फ्लोटिंग होती है। बेसिकली आपके प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनल की बात हम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की बात करें, उसमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, सारी मेम्ब्रेन बाउंड, कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, सारी नॉन मेम्ब्रेन है। क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हुए, ठीक है, साइनोफाइशन ग्रैन्यूल हुए, फॉस्फेट ग्रैन्यूल हुए, ये सारे क्या है, इंक्लूजन बॉडी है, जो कि साइटोप्लाज्म में छोटे 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 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो आप इंक्लूजन बॉडी देख सकते हो, ये देखो छोटी सी इंक्लूजन बॉडी, ये सारे क्या है, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। क्लियर है, इनका कोई शेप नहीं होता एज सच, दे आर वेरी इररेगुलर, बट इनमें इनमें फूड या कोई भी रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ क्या,
हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखे जाते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए इन्हें गैस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? चल सो अब आपको देने वाले हैं छोटा सा क्विज। कल के क्विज का आंसर्स मैंने चेक किया है कमेंट सेक्शन में, आई हैव रिप्लाइड टू ऑल ऑफ यू। आज का क्वेश्चन ये रहा अब आपके लिए, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। जो सही जवाब देगा आई विल डेफिनेटली, मैं सबको रिवर्ट बैक करने वाली हूँ सही आंसर देने वाले के लिए क्लैपिंग अभी से। तो जो भी देगा मैं कुछ कुछ दिन पे अपने विनर्स अनाउंस करती रहूंगी, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, चार ऑप्शन है आपके पास, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से ए बी सी या डी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन नॉट हियर, ठीक है? दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थियोरी। तो हमारी जो हमने कल सेल थियोरी पढ़ी, देखें आपका कितना स्ट्रांग हुआ है कल की पढ़ाई, तो हमने देखना है कि सेल थियोरी का एक्सेप्शन इनमें से कौन सा होता है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं दोनों क्वेश्चन के आंसर। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चा पाड़ी, लेट्स सी एंड कल मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल के लिए, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे अच्छे से। ओके बच्चों, टिल देन के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि मैम लाइव कब आ रही है। ये लाल बटन दब जाना चाहिए बच्चों तुरंत, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, और सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो, ताकि उन्हें पता रहे कि ऐसी कोई क्लासेस उनके लिए चल रही हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।